आज हम लोग बर्मा का जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं जिसमें रोहिंग्या सिंह कशिंग खया 10-15 एथनिक ग्रुप से लोग हैं जो इंडिया में रिफ्यूजी हो गए हैं बर्मा के हालत की वजह से। सब लोग एक जगह में यहाँ पे जंतर मंतर में गैदर हुए हैं इंडिया के गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए। बर्मा में जो 2021 में 1 फरवरी को कू हुआ है यहाँ पे दोबारा तानाशाही आ गया है और वो मिलिट्री जो टेररिस्ट मिलिट्री है उनके साथ उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए और बर्मा का जो डेमोक्रेसी है वो दोबारा रेस्टोरेशन करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए हैं। बर्मा में इतना हालत खराब है जो देश को सुरक्षा करने वाला देश का निवासी लोग सुरक्षा करने वाला फौजी लोग मिलिट्री लोग ने देश का पावर उन्होंने छीन लिया है। देश का निवासी लोग को सुरक्षा देने का बदले में जून जून से मारता पीटता जनता का पब्लिक का हा गड हा प्रॉपर्टी छीन लेते हैं चला लेते हैं। उसी खिलाफ हम लोग यहाँ प्रोड करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम यामो है और मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है और उनके घर भी जलाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करके हम उम्मीद में है कि कोई हमें सुन ले, कोई हमारी मदद करे, लेकिन मोदी जी ने तो अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ मोदी जी कुछ कर दीजिए हमारे लिए, हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पर। बर्मा में अभी तानाशाही दोबारा आ गया, एक साल हो गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई खास प्रेशर नहीं गया है तो हम ये मानते हैं कि हम अगर इकट्ठा होकर हमारा आवाज़ को मीडिया के थ्रू और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल गवर्नमेंट को दोबारा ये याद दिलाएंगे हो सकता है थोड़ा बहुत इनको दोबारा याद में आएगा कि बर्मा में ये हालत हो गया, एक साल हो गया। बर्मा में हज़ारों लोग मर गए 2021 के बाद से और वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको डिटेन करके रखता है। तो हमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, स्पेशली भारत सरकार का सपोर्ट चाहिए। यह हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं। गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सही आदमी को सही सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बर्मा पब्लिक सब जानता है पर इंडिया सरकार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सब जानता है। इसलिए अभी से अभी तक इंडिया सरकार का माइंड चेंज होना चाहिए। जो देश को सुरक्षित करने वाला टेरर के तरफ मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जनता को सेवा करना चाहिए, जनता को सपोर्ट करना चाहिए। जो बर्मा में दोबारा डेमोक्रेसी साझा आने के लिए इनको सपोर्ट करना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूँ। कि उनका मीडिया में भी पूरा कंट्रोल है, ना तो इंटरनेट है ना कुछ, तो जो भी प्रोटेस्ट उनका खिलाफ होते हैं वो हमें गुलाम बनाकर मार देते हैं। मेरी फैमिली वही है और मेरे अंकल वगैरह भी गिरफ्तार कर दिया, उनकी जिनको मारा जा रहा है ना उनकी लाशें तक वापस नहीं मिल रही हमें।
हम चाहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, वापस जिसे हमने वोट दिया है उसे वापस सरकार बनाए, सब कुछ डिक्टेटरशिप खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी वापस मिले, हमारा राइट्स हमारे पास वापस मिले।